भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। क्या नाम बताया? मुकेश। मुकेश भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब भाई ने क्या किया कि जैसे हैंड ब्रेक डाउन नहीं किया अभी, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है हैंड ब्रेक डाउन करना। तो भाई ने अब हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। हैंड ब्रेक डाउन करने के लिए हमें पहले थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है हैंड ब्रेक को, फिर उसके बाद हम बटन को प्रेस करेंगे आगे वाले को, फिर नीचे। ठीक है, अब अभी तक तो भाई ने कोई गलती नहीं की है, तो अब हम चलेंगे। तो भैया सबसे पहले क्या करते हैं? गियर लगाते हैं। तो भैया पहले गियर लगाएंगे। ये देखिए, ये क्लच दबा रखी है भाई ने, और भाई पहला गियर लगाएंगे। ये लगा दिया है। ठीक है, अब मैं भैया को बताने जा रहा हूँ इजी गियर कैसे लगाते हैं। गियर भैया देखो न्यूट्रल हो गया, ये देखो पूरा फ्री होता है, ये पूरा फ्री है ना। अब हमें क्या करना है कि पहला गियर लगाना है। पहले गियर में क्या होगा, अब हमें देखो पहले गियर के लिए देखो तीसरा चौथा गियर है, यहाँ सेंटर या न्यूट्रल होता है, ये पूरा लीवर जो होता है फ्री रहेगा इसमें। तो अब अगर हमें पहला गियर लगाना है तो यहाँ से यहाँ इजी लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ से ऊपर सीधा डायरेक्ट ऊपर कर देंगे, इजीली लग जाएगा। ठीक है, लगा के देखो, लग गया है। अब देखिए हर बंदा एक गलती करता है हमेशा, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा एक गलती होती है कि आदमी क्या करता है कि जैसे क्या गलती करता है कि जैसे वो क्या करता है कि वो हर आदमी ये सोचता है कि उसको गाड़ी जो चलती है वो चलती है रेस से, लेकिन दोस्तों गाड़ी रेस से नहीं चलती है, गाड़ी चलती है पहले। गाड़ी को फर्स्ट गियर में हमेशा क्लच पे चलाना चाहिए। गाड़ी हमेशा क्लच पे कब चलेगी? गाड़ी फर्स्ट गियर में जब भी रहेगी गाड़ी फर्स्ट गियर में चलेगी। गाड़ी जब मोड़ पे रहेगी, मोड़ेंगे तब भी गाड़ी क्लच में चलेगी, और ब्रेकर पे हमेशा गाड़ी क्लच में चलेगी। ठीक है, रेस में गाड़ी बहुत कम चलती है इन जगहों पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। अब हमें गाड़ी को जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्लच छोड़ेंगे। और स्टेयरिंग को देखिए, सामने पेड़ है तो स्टेयरिंग हमें ऑब्वियस बात है कि उधर रोटेट करके रखना पड़ेगा। ये देखिए भाई उधर रोटेट कर रहे हैं, मैं हेल्प कर रहा हूँ भाई की। ठीक है, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। अब रेस नहीं लेनी है बिल्कुल भी, भैया रेस वाला पैर पीछे कर लो। ठीक है, अब जहाँ से गाड़ी चले वहाँ क्लच को रोक लेना। अब तो यहाँ चलने लग गई ना, अब आप क्लच को यहीं होल्ड करके रख लो, नीचे मत दबाओ, नीचे नहीं करना भैया, वहीं होल्ड करके रखना है। ठीक है, सीधा करो अब स्टेयरिंग, इधर लाओ। उधर भी ध्यान देना है, क्योंकि उधर अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो आप वो टकरा सकती है हमारे से। ठीक है, मिरर को देखना है, मिरर चेक करना है जब हम उस साइड में जाएंगे, तो इंडिकेटर देख के रखो उस साइड का। कई सिस्टम है, अभी नहीं, जब हम चले थे तब की बात है। ठीक है, अब भाई हमारे आराम से चला रहे हैं। तो मुकेश भाई जो हैं पहली बार आए हैं, आज पहला दिन है इनका। स्टेयरिंग थोड़ा सा इधर उधर ईजिली घुमा नहीं पा रहे। देखिए स्टेयरिंग जब भी आप घुमाते हो, हमेशा स्टेयरिंग पे सिंगल हैंड ज़रूर होना चाहिए। एक हाथ तो स्टेयरिंग पे, एक हाथ तो हमेशा रखा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर दोनों हाथ उठाओगे तो स्टेयरिंग क्या है कि पावर स्टेयरिंग गाड़ियों में, स्टेयरिंग फिर से वापस अपने आप आ जाता है उसी पोजिशन पर। तो उस पोजिशन पर आ जाता है तो आप क्या करोगे, आप जैसे छोड़ दोगे वही वहीं की वहीं आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, गाड़ी में नुकसान होने के चांस जाते हैं। ठीक है, अब भैया हमें क्या करना है कि जो पहला गियर है, जो हमारा क्या है, पहला गियर लगा हुआ है, पहला गियर है, उसकी जो स्पीड होती है वो 10 तक होती है, 10 तक की स्पीड होती है। जैसे हम 10 से प्लस जाते हैं हम दूसरा गियर लगाते हैं, जैसे हम 20 से प्लस जाते हैं हम तीसरा गियर लगाएंगे, जैसे हम 30 से प्लस जाएंगे चौथा गियर लगाएंगे, जैसे हम 40 से प्लस जाएंगे हम पाँचवा गियर लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे धीरे धीरे, आप स्पीड बढ़ाओगे तो हल्की हल्की, जैसे जूते का वेट रख रहे हो, जैसे स्पीड पे जैसे जूते का ही वेट रख रहे हो, इस तरह से आपको स्पीड देनी है धीरे धीरे। क्लच पूरी छोड़ देनी है और हल्की हल्की स्पीड दे दो। हमें 10 से ऊपर लगाना है, 10 से ऊपर ले जाना है क्या, स्पीड। तो जब भी हम गियर चेंज करेंगे, जैसे हम बाइक में गियर चेंज करते हैं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्लच दबाते हैं, उसके बाद क्या करते हो, गियर लगाते हैं, नहीं उसके बाद हम जो हमारी रेस एक्सीलेटर है उसको हम रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम गियर लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम गियर लगाते हैं। देखिए फिर हम गियर लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लच को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद हम रेस देते हैं गाड़ी में, ऐसा ही है ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 10 से ऊपर आप लेके जाओगे स्पीड, देखो 10 से ऊपर जैसे ही स्पीड जाती है, देखिए 10 से ऊपर जैसे ही स्पीड जाएगी
हल्की सी बढ़ाओ भैया, थोड़ी सी और बढ़ाओ, गई स्पीड। तो हम वैसे ही क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे, छोड़ दो लेफ्ट वाला हाथ, क्लच दबाओ, पहले क्लच दबाओ, क्लच दबाओ भैया, क्लच दबाओ पूरी, क्लच छोड़ो। अब देखो भैया ने क्लच दबाई पहले, फिर रेस को छोड़ी और फिर गियर चेंज कर दिया। थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आज पहला दिन है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी और फर्स्ट डे थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। हम जब भी गाड़ी सिखाते हैं, जब भी गाड़ी सिखाते हैं, किसी को बिठाते हैं गाड़ी में, तो सबसे पहले हम उससे पहले क्लासेस देते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं, कुछ क्लासेस देते हैं, ताकि बंदे को, ताकि जो कस्टमर, जो पर्सन बैठे हैं, उनको सब कुछ पहले से पता हो कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये है, इसका प्रोसेस ये है, इसकी प्रोसीजर ये है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम 20 से अबव जाएंगे, क्या करेंगे हम 20 से अबव जाएंगे, तो कौन सा गियर लगेगा, थर्ड गियर, ठीक है। तो हम गए 25 पे, तो सबसे पहले हम क्लच दबाएंगे, रेस नहीं छोड़ते। आपने पिछली बार रेस छोड़ी, पहले आपको पहले क्लच दबानी है, ये क्लच दबाई, रेस छोड़ दो, अब छोड़ दो रेस, अब लगाएंगे थर्ड गियर। देखिए थर्ड गियर भाई ने लगाया, अब देखिए भाई थर्ड गियर में गलती कर रहे हैं, आप सामने देखो, अब देखो आप नीचे, नीचे देखो, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, छोड़ दो, देखो ये मैंने दूसरा गियर निकाल दिया, देखो अब सेंटर में अपने आप आ गया, ये आ गया ना। अब देखो मैं सामने तीसरा गियर, क्लच दबाओ पूरी, ये तीसरा गियर सामने लगा दिया मैंने, ईजिली लग गया। चलो अब रेस ले लो, रेस लो, देखो स्पीड इतनी देर में, देखो 20 से नीचे आ गई, जो स्पीड हमारी 20 से ऊपर रहनी चाहिए थर्ड गियर में, 20 से नीचे आ गई, वो सही नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा, थोड़ी सी जल्दी, भाई ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया गियर लगाने में। हमें टाइम वैसे काफ़ी मिलता है गियर लगाने का, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता। अगर हम पहले रेस छोड़ देते हैं तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, और यदि रेस नहीं छोड़ेंगे आप, अगर आप पहले क्लच दबाएंगे, तो गाड़ी की स्पीड कभी कम नहीं होगी, गाड़ी की स्पीड उतनी ही बनी रहेगी कुछ सेकंडों तक, ठीक है। और उतने टाइम में हम गियर लगा सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब भैया चल रहे हैं अपने उसी प्रोसेस में, ठीक है, अब कंटिन्यू बढ़िया चला रहे हैं, ठीक है। इनका स्टेयरिंग पकड़ने का सिस्टम भी सही है, और क्लच गियर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इनको, तो गियर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, एक दो दिन होंगे, तो इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। गाड़ी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा बंदे को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे भाई क्लच, ब्रेक, रेस पे जो पैर होता है, जो हमारा राइट वाला पैर है, वो हमेशा ब्रेक के सामने एडी को सेट करना चाहिए। ब्रेक एडी जो है हमारी, ब्रेक और रेस में, रेस उठा उठा के हम नहीं दे सकते। जैसे मान लो हमें रेस देनी है, तो उठाओ पूरा पैर फिर रेस दो, ब्रेक लगाओ तो पूरा पैर उठाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हमेशा एडी को फिक्स रखना पड़ता है राइट पैर के, जो हमारा राइट लेग होता है, उसकी हमेशा एडी को हमें फ़िक्स करके रखना पड़ता है। चाहे तो आप कंफर्टेबली होना चाहिए आपके लिए। आप चाहे जैसे सेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब देखिए भैया मोड़ पे आ गए हैं, मोड़ पे देखिए स्पीड कम नहीं कर रहे हैं, जब बल्कि जब इनको स्पीड कम करनी चाहिए। छोड़ो भैया, छोड़ो छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक लगा दे एकदम से। जो ब्रेक इनको धीरे धीरे लगाना चाहिए, पहला दिन है इसलिए ये गलतियाँ होंगी, जो ब्रेक इनको धीरे धीरे लगाना चाहिए, इन्होंने एकदम से लगा दिया, जो गाड़ी ज़्यादा धीरे हो गई है थर्ड गियर। और ब्रेक जब हम मोड़ पे गाड़ी चलाते हैं, तो मोड़ते हैं, मोड़ते वक्त गाड़ी में कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, मोड़ते वक्त भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप होता है, हमें गाड़ी मोड़ते वक्त सबसे पहले हमें इंडिकेटर देना होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा सिस्टम, सेकंड में हम करते हैं गाड़ी को स्लो करते हैं, थर्ड में हम क्लच दबाते हैं, गियर डाउन करते हैं, तीसरा स्टेप, इस स्टेप तक, तीसरे स्टेप तक, ये सारे स्टेप मोड़ तक पहुंचते पहुंचते हो जाने चाहिए, ठीक है। तीन तीन स्टेप, चौथा स्टेप फिर हमारा हॉर्न हो गया, हॉर्न बजाएंगे मोड़ पे, और पांचवा स्टेप स्टेयरिंग बच गया, जो हम स्टेयरिंग घुमाते हैं। तो अब थोड़ा सा फ्लो में आ गए हैं, अब थोड़ा सही चला रहे हैं। तो ऐसे ही यदि हम इनको जैसे हफ्ते भर में लगभग 7 दिन के अंदर अंदर इनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि ऑटोमेटिक अपने आप चलाने लग जाते हैं गाड़ी, और गाड़ी में कभी कोई गलतियां नहीं करेंगे लगभग 1 सप्ताह के बाद,
मतलब फिर माइनर माइनर गलतियां बने, छोटी छोटी गलतियां बच्चे बचेंगी, और मैक्सिमम जो गलतियां हैं, मैक्सिमम जो ये मिस्टेक करते हैं, जो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, वो 7 दिन के अंदर इनकी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं हमारा भी मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो जब भी आप आपका टाइम लगे मेरे वीडियो आप देखिए, क्योंकि इनमें काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी ड्राइविंग सीखने में, और इजी रहेगा आपको ड्राइविंग सीखना। मैंने मेरे पहले भी 6 वीडियो बना रखे हैं, पहले भी मैंने 6 वीडियो बना रखे हैं जो आपको इतनी, अगर आप खुद घर भी गाड़ी सीखना चाहेंगे, घर भी चलाना चाहेंगे, तो मेरे 6 वीडियो देख के आप इजीली आप अच्छे से गाड़ी सीख सकते हैं। कोई भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, और वहाँ जो चीज़ें बताई गई हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप घर सीख सकते हैं इसलिए। नहीं, वैसे तो मेरा मानना है कि आपको, आप अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो आपको 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने में परहेज़ नहीं करना चाहिए, आपको सीखनी चाहिए गाड़ी। क्योंकि देखो हमारे पास कंट्रोल होता है पूरा, दोनों साइड में देखिए कंट्रोल होता है, ये देखिए क्लच ब्रेक इधर भी है और उधर भी हैं, तो हमारे पास पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल के कारण गाड़ी को कहीं टच होना वगैरह नहीं हो सकता। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि आपको गाड़ी सीखनी ही चाहिए। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो देखिए, आप चलाइए गाड़ी उसी हिसाब से जैसे बता रखा है मैंने 6 वीडियो में। और मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, जैसे 7 स्टेप्स के बना रखे हैं, गियर कैसे लगाते हैं बना रखे हैं, और गाड़ी की एसी कैसे वर्क करती है बना रखे हैं, आपको मीटर में क्या क्या इंडिकेशंस आएंगे जो आपके लिए डेंजरस होते हैं वो भी बना रखे हैं। तो ये सारे वीडियो आप देख के अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे ही मैं अभी आपको गाड़ी के इंजन के बारे में नॉलेज दूंगा, गाड़ी के बोनट खोल के बताऊंगा कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ में क्या डलता है, कहाँ क्या होता है, और कहाँ किस चीज़ से ये कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं गाड़ी के अंदर, और आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए यदि प्रॉब्लम आ जाए तो। भैया आप स्पीड कम करो, भैया देखिए 3rd गियर में 40-45 की स्पीड चला रहे हैं, बल्कि 3rd गियर में 20-30 की स्पीड चलती है बस, उससे ऊपर गाड़ी की स्पीड होनी नहीं चाहिए 3rd गियर में, और ना ही 4th गियर लगा रहे हैं क्योंकि पहला दिन है, इनको पता भी नहीं है, ठीक है। तो भैया हम 30 से ऊपर जब भी जाएंगे तो हमें गाड़ी की जो स्पीड है वो 4th गियर लगाना होता है गाड़ी में, ठीक है, 30+ जाते ही 4th गियर। तो हम 3rd गियर में यदि 50-60 की चलाएंगे तो गाड़ी की जो एवरेज है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ये हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, देखिए 40 से ऊपर लेके जाएंगे हम स्पीड को, नहीं 40 तक लेके जाएंगे, 40 से थोड़ी नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हम पहले क्लच दबाएंगे, क्लच दबाओ भैया, क्लच दबाई, रेस छोड़ दो और 4th गियर लगा, 4th गियर लगा दिया, देखिए भैया ने 4th गियर लगा दिया, इजीली लगा दिया क्योंकि 4th गियर 3rd के नीचे ही है। और अब भाई 4th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, तो आज इनको मैं 10 किलोमीटर लेके जा रहा हूँ। वैसे मैं 20 डेज के कोर्स में पहले दिन 7 किलोमीटर चलाते हैं, डेली 7 किलोमीटर चलाते हैं, लेकिन जो पहले 3-4 दिन होते हैं उसमें हम 10 चलवाते हैं, ठीक है, वो हम बाद में मैनेज कर देते हैं। और हमारा जो सिस्टम है वो ये है, हम 21 दिन का कोर्स देते हैं, ठीक है, 21 दिन के कोर्स में हम बहुत अच्छा सिखा देते हैं बंदे को, लगभग सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं, गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जाती है। यदि अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, सही से बढ़िया आप कैच करते हैं चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक आप जल्दी से सीख जाएंगे, 7 से 10 दिन में आपको गाड़ी आ जाती है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहते हैं हमारे पास, 10 दिन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद गाड़ी अच्छे से आ जाती है। तो भाई अभी तो सही चला रहा है, देखिए 40 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, और आज 1st डे है इसका, और स्टेयरिंग भी थोड़ा सा सही है, हो जाएगा मैनेज, ठीक है। अब हमें क्या है कि गाड़ी को मोड़ना है राइट साइड में। देखो सबसे पहले मैंने 5 स्टेप बताए थे, 5 स्टेप में क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है हमारा गाड़ी का इंडिकेटर देना, ठीक है। तो राइट साइड में हम मुड़ना है गाड़ी का इंडिकेटर, तो भैया नीचे ब्रेक क्यों ले रहे हैं, ब्रेक मतलब अभी मोड़ना आया नहीं है, आगे है मोड़, हमने इंडिकेटर दे लिया। इंडिकेटर का रूल होता है कि 100 मीटर पहले तक आप इंडिकेटर दे सकते हो, मोड़ से 100 मीटर पहले तक, ठीक है, उससे कम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। भैया गाड़ी धीरे करो, दूसरा स्टेप गाड़ी धीरे करना होता है, हल्का ब्रेक लो, एकदम से ब्रेक नहीं लेते कभी भी, हल्का ब्रेक लो, ले लिया आपकी गाड़ी धीरे हो गई, क्लच दबाओ, अब गियर डाउन करो, 2nd गियर लगाओ, नीचे 2nd गियर लगाया भैया ने, अभी क्लच नहीं छोड़ना, गाड़ी थोड़ी धीरे हो जाती है,
हल्की सी, हल्का सा ब्रेक ले लो, हल्का सा ब्रेक ले लो, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो छोड़ो बस हॉर्न लो मोड़ आ गया, हॉर्न लो। अब देखो भाई मोड़ेगा, मोड़ो 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 उधर मोड़ो, स्टेयरिंग घुमाओ। पहला दिन है, पहले दिन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, सीधा करो स्टेयरिंग वापस से, जैसे हम बाइक को मोड़ के सीधा करते हैं स्टेयरिंग करते हैं ना। अब दोबारा आपको हॉर्न लेना है, उधर ही मुड़ना है हमें, ठीक है। हॉर्न रेस नहीं लेते, रेस नहीं लेना, चलो 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 आराम से रेस नहीं लेना, रेस नहीं लेते। अब देखिए मोड़ पे भाई ने कई गलतियां कर दी हैं, एक तो पहले स्टेयरिंग नहीं घुमा इनसे, दूसरा इन्होंने रेस ले ली है मोड़ पे, रेस नहीं लेते हैं कभी भी। मैंने बताया कि मोड़ पे हमेशा क्लच में गाड़ी चलेगी, आपको इतनी स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए कि हाँ भी गाड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है। यदि आप मेंटेन करके नहीं रखोगे, तेज़ रखोगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा धीरे रखोगे तो भी दिक्कत है। तो अब गाड़ी मेंटेन है, मेंटेन अगर स्पीड रखोगे तो ऑटोमेटिक क्लच, क्लच में गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ जाती है, ठीक है। मुड़ने के बाद हमें गाड़ी गाड़ी में स्पीड दी जाती है, जब तक कि और तब भी हमें जब तक नहीं देनी है जब तक गाड़ी सीधी ना हो जाए, गाड़ी का स्टेयरिंग जब तक अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए नहीं आ जाए तब तक हमें रेस देनी नहीं है। तो गाड़ी हमारी मेन पोजीशन पर आने के बाद हमें रेस देनी है। तो अब हमने रेस दी, अब आपको अगला गियर लगाना है, थर्ड गियर क्लच दबाओ, बीच में लाओ, हाँ उधर नहीं लगा, नीचे ऊपर, हाँ छोड़ दो क्लच। देखो अब की बार भैया ने थर्ड गियर बहुत सही लगाया है, ठीक है। बस थोड़ी सी हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं जो दो चार दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे हम जैसे जैसे हम बताते रहेंगे वैसे वैसे इनको नॉलेज होती जाएगी, वैसे वैसे ये गाड़ी में गियर में परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेयरिंग इनका बहुत सही है, बहुत सही है। तो अब ये जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे जैसे इनका स्टेयरिंग, जैसे शुरुआत में जो बंदे आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनके जो स्टेयरिंग है वो सेट नहीं रहता, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, भाग तो इनका भी रहा है लेकिन हल्का हल्का भाग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं भाग रहा, मैनेज कर पा रही है। ये अटेली से बाहर निकल के सुजापुर आता है, सुजापुर से सुजापुर रोड पे देखिए लेफ्ट साइड में, जब हम नानूर साइड में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में ये सीएनजी स्टेशन है, एक सीएनजी स्टेशन हमारा आगे आता है, इसी से थोड़ा सा 100 मीटर आगे, इस लेफ्ट लेफ्ट वाले से 100 मीटर आगे राइट में ये देखिए वो हमारा अडानी का सीएनजी स्टेशन आता है। तो आप जब भी इधर आएँ तो आराम से यहाँ से सीएनजी लगा सकते हैं अटेली में, ठीक है। अटेली के बाद फिर नारनौल में ही सीएनजी स्टेशन स्टेशन है, बाछौद में खुल रहे हैं दो स्टेशन, दो सीएनजी स्टेशन हैं आमने सामने ही हैं दोनों, थोड़ा सा 100 मीटर के गैप पे, जैसे यहाँ भी ये 100 मीटर के गैप पे है, ये देखिए ये सीएनजी स्टेशन है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी सीएनजी भरवा सकते हैं, चाहे आप राइट से भरवाएं, अगर आप रेवाड़ी साइड में जा रहे हैं तो राइट से, और रेवाड़ी नानूर साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट से भरवा सकते हैं, ठीक है। दोनों सीएनजी स्टेशन आमने सामने ही हैं, बस 100 मीटर की दूरी पर आगे पीछे हैं। तो इस तरह से आप अटेली यदि आप विजिट कर रहे हैं तो गियर लगाओ भैया, देखो 40 की स्पीड गई है और भैया ने गियर नहीं लगाया, थर्ड गियर था ये, लगो फोर्थ गियर लग गया, अभी फोर्थ गियर लगा दिया भैया ने। तो इस तरह से हम जैसे जो हमारे पास पर्सन आते हैं गाड़ी सीखने, हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जल्दबाजी नहीं कोई कुछ नहीं, हमने बिल्कुल इजी वे में गाड़ी सिखाते हैं। तो इनको जैसे इनके साथ मैं बनाऊंगा दो तीन वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे इनको, जैसे आज तो पहला दिन है, एक हफ़्ते बाद इनके साथ फिर बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई 7 दिन में कितना सीख सकता है, कितना सीख सकते हैं लोग। तो 7 दिन के बाद जब एक वीडियो बनाऊंगा उसके बाद फिर मैं इनका 7 दिन के बाद फिर बनाऊंगा, 14 या 15 डेज बनाऊंगा, फिर 20th डे बनाऊंगा जो इनका लास्ट दिन होगा उस दिन, और उस दिन आप देखना कितनी बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाएँगे, हर जगह गाड़ी चलाएँगे, मार्केट वगैरह सब जगह पे इनका इनको ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे हर जगह हमारा रूटीन है, जैसे कि भाई हम 2 दिन कहीं सिखाते हैं, 2 दिन किसी गांव में सिखाते हैं, 2 दिन हमें दूसरे गांव में जाते हैं, फिर 2 दिन किसी गांव में सिखाते हैं, और फिर लास्ट में जैसे 4 दिन हमने मार्केट के ले लेते हैं 3-4। तो इस तरह से गाड़ी में सारा जो आपका ड्रर वगैरह है सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप आ सकते हैं अटेली,